इंटरेक्ट करना आपस में, इंटरेक्ट करना मतलब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, खिंच खिंचाव करना, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। डाइपोल डाइपोल देखें, डाइपोल डाइपोल कितने होंगे, दो पोल, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको डाइपोल डाइपोल ये टाइप है, इसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है, ठीक है, टाइप ऑफ इंटर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप है। किसके दरमियान होगी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, किसके दरमियान होगी, बिटवीन ये देखिए बेटा, टू पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं। देखिए वेरी सिंपल, ये देखें, ये देखो बेटा, ये क्या है HCl। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान कैसे होती है, एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, उसको उसको खींचेगा अपनी तरफ, अपोजिट फोर्स क्या करेंगे, दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स के अपोजिट फोर्स, एक का पॉजिटिव तो एक का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा, उस फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं, ठीक है। मसलन अब ये देखिए पोलर मॉलिक्यूल है ना, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, अब एक और मॉलिक्यूल इस तरफ पार्शियल, ये देखिए HCl है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, आपको पता है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी ज्यादा है, इसलिए जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये दो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, हमने बस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान समझने के लिए ये एग्जांपल लिए, लेकिन दोनों के दरमियान क्या होगी फोर्स ऑफ इसको हम कहते हैं, ये दो ये एक पोल हो गया, ये पोल हो गया, कितने हो, दो पोल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स इन सच अ वे दैट, इधर देखें पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल इन डायरेक्ट विद नेगेटिव एंड ऑफ अनदर, मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स, क्लियर, समझ गए प्रॉब्लम। अब इन्हीं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एप्लीकेशन है बच्चे, ये देखें इस इंक को मैंने लिखा बोर्ड के ऊपर, इंक से लिखा तो ये इंक नीचे गिर रही है, क्योंकि इस अट्रैक्शन है बोर्ड और इसके दरमियान इन डाइपोल डाइपोल फोर्स इनके दरमियान ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर क्या है फोर्सेस, समझ गए। इसी तरह आप बच्चे देखिए ना, ये आपके चार्ट लगे हुए हैं, चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, हम किसके थ्रू लगाते हैं, इसके थ्रू लगाते हैं, ग्लू के थ्रू लगाते हैं, स्कॉच टेप के थ्रू लगाते हैं, तो वो हाँ लग का कैसा है, स्कॉच टेप कैसे लग जाता है, उसमें भी दरवाजे और दीवार उसके दरमियान एक फोर्स ऑफ कौन सी फोर्स पड़े, इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो कोई भी पोलर मॉलिक्यूल होगा उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, इंटर मॉलिक्यूलर, उसी पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल डाइपोल, समझ गए, पोलर नहीं हो उनके दरमियान की अट्रैक्शन होती है, पोलर